दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हैं। इस वीडियो को देखने से पहले ही हम आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च और स्टडी है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे पहले हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट या लॉस दोनों की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, आप सभी का स्वागत करता हूं पिक्सल सब्स के बिल्कुल फ्रेश एपिसोड में। तो दोस्तों, यहां पे आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि डीएफ्स क्या होते हैं, डीएफ यहां पे वर्कआउट कैसे करते हैं और वो हमारे नॉर्मल ऐप से किस तरह से डिफरेंट होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ बहुत ही ईजी वे में, ताकि आप उसको बड़े ईजी तरीके से यहाँ पे समझ पाएँ। और अगर इस इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद आपको फिर भी कुछ डाउट रह जाता है, आपको कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होकर वहाँ पे मेरे साथ वहाँ पे चैट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं डी एप्स के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारे यहाँ पे अभी फिलहाल की कंडीशन में दो टाइप के ऐप्स अवेलेबल हैं। पहले तो दोस्तों वो ऐप्स हैं जो कि आप यूज़ करते हैं गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, और वहाँ से आप कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हैं, चाहे हम बात करें फेसबुक का, चाहे हम बात करें व्हाट्सएप का, चाहे हम बात करें जैपे का। तो दोस्तों, सारे के सारे जो ऐप हैं ये एक सेंट्रलाइज ऐप हैं। सेंट्रलाइज ऐप का जो यहाँ पे जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि वहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी या कोई भी, उसको एक रेगुलेटरी होती है जो कि उसको वहाँ पे रेगुलेट करती है, उस ऐप के लिए डिसीजंस लेती है, उस ऐप की हर छोटी से छोटी चीज़ के बारे में एक पर्टिकुलर पर्सन वहाँ पे पूरे की पूरी वहाँ पे रेगुलेशंस बनाता है और उसके ऊपर यहाँ पे वर्कआउट करता है। अगर हम बात करते हैं कुछ नॉर्मल ऐप्स की, जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो उसके लिए दोस्तों जो फेसबुक कंपनी है वहाँ पे जो मैनेजर्स बैठे हुए हैं, जो वहाँ पे टेक्नीशियंस हैं, वो सब उसके बारे में यहाँ पे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन लाएंगे कि इस ऐप में ये प्रॉब्लम है, हमको ये चीज़ें सुधारनी है, हमको ये चीज़ें करनी है, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ें लाकर उसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। बाद में वो चीज़ जाएंगी डेवलपर के पास और डेवलपर उसको इंप्लीमेंट करके आपके सामने एक अपडेट यहाँ पे पुश कर देगा। साथ ही साथ अगर हम गवर्नमेंट ऐप्स की बात करें तो गवर्नमेंट ऐप इसी तरीके से काम करती हैं। गवर्नमेंट के पास उसका डेटा जाता है कि हमारे ऐप में ये इशू है, वो इशू है, आपको ये चीज़ अपग्रेड करनी है। गवर्नमेंट अपनी एक मीटिंग बिठाती है, सारे के सारे डिसीजंस लेती है और उसके अंदर एक अपडेट आपको पुस्ट कर देती है। लेकिन दोस्तों, जो डी ऐप्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म की। जैसे यहाँ पे जो डी एप्स होते हैं दोस्तों, उनको बनाते तो डेवलपर्स ही हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, लेकिन यहाँ पे जो उसको कंट्रोल करते हैं वो करते हैं हम जैसे वो लोग जिनके पास होता है इंटरनेट कनेक्शन या फिर होता है एक अच्छा खासा हार्डवेयर कंप्यूटर का, ताकि वो उसके जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उनको वेरीफाई कर पाएँ। तो इनके बीच में जो डिफरेंस आ जाता है वो आ जाता है कि जो सेंट्रलाइज एप्लीकेशन होती है उनको यहाँ पे कंट्रोल करती है कोई रेगुलेटरी, कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई गवर्नमेंट, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ऐप्स के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को यहाँ पर जो कंट्रोल करती है वो करती है सोसाइटी। इसके ऊपर कोई भी यहाँ पर गवर्नमेंट, कोई भी यहाँ पर सोसाइटी, किसी भी तरीके का कोई भी यहाँ पर हक नहीं होता है। अगर मैं आपको एक सिंपल भाषा में यहाँ पे बताऊं तो मान लीजिए दोस्तों, अगर आप इंडिया से हैं, आप किसी भी कंट्री से इसको देख रहे होंगे, तो आप करेंसी का यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप किसी ग्रॉसरी शॉप में जाते हैं और वहाँ पे कुछ चीज़ परचेस करते हैं, तो मान लीजिए दोस्तों मैंने ये एक हार्ड ड्राइव यहाँ पर परचेस करी है, तो इसके लिए मुझे देने हैं 3,500 रुपये, तो वो मैंने यहाँ पे दिए और ये हार्ड ड्राइव मैंने यहाँ पे परचेस कर ली। अब ये जो नोट मैंने उनको दिए हैं, जैसे कि इंडिया में अगर आप हैं तो मैंने 2,000 और समथिंग जो भी नोट यहाँ पे प्रोवाइड कराए हैं उस शॉपकीपर को, वो तब तक वैलिड है जब तक कि मुझे RBI ये नहीं कह देता कि हाँ हम इसके पीछे बैकअप लेके चल रहे हैं। अगर RBI ने वो चीज़ यहाँ पे बोल दी कि नहीं, आज से ये नोट यहाँ पे बंद है और हम दूसरे नोट इशू करेंगे या हम कुछ और तरीका यहाँ पे लाएंगे काम करने का, तो वो जो नोट रहेगा उसकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 0। तो यहाँ पे इस तरीके से पूरा की पूरा कंट्रोल होता है एक रेगुलेटरी के हाथ में, अगर चीज़ सेंट्रलाइज होती है। लेकिन दोस्तों, अगर यही चीज़ डिसेंट्रलाइज है, तो डिसेंट्रलाइज में हम लोग एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं बिटकॉइन का। तो दोस्तों, बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज है, हो सकता है कोई बंदा उसको इंडिया से कंट्रोल कर रहा है, कोई उसको USA से कर रहा है, कोई डिफरेंट डिफरेंट जगह से कर रहा हो। ये जो लोग होते हैं जो उसको यहाँ पे कंट्रोल करते हैं, जो उसके ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे माइनर्स भी कहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के माइनर्स इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं। अगर मान लीजिए किसी एक का यहाँ पे हार्डवेयर ख़राब भी हो जाता है, तो भी यहाँ पे कोई बात नहीं है, इसके जो सारी फाइल्स है, सारे ट्रांजेक्शन है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं एक पब्लिक लेजर के अंदर और अलग 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 जगह पर यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। तो वहाँ से वो ट्रांजेक्शन चलते रहेंगे और इस तरीके से आपका जो पेमेंट होगा वो होता रहेगा। तो अगर सेम एग्जाम्पल हम लोग देखें कि मैंने हार्ड ड्राइव खरीदी होती मान लीजिए 0.02 बिटकॉइन की,
तो मुझे यहाँ पे जो मेरा बिटकॉइन जब मैंने सेंड करा होता तो इसके लिए जो परमिशंस लगती वो लगती सिर्फ माइनर्स के ऊपर की, जो कि होती है हमारी सोसाइटी की, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट होती है इन कंपैरिजन टू हमारे सेंट्रलाइजेशन के, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूरेट भी होती। तो ये दोस्तों डिफरेंस था डिसेंट्रलाइजेशन ऐप और सेंट्रलाइजेशन ऐप्स के बारे में। अब दोस्तों इसके अंदर एक बहुत ही मेजर चीज़ आती है जिसका नाम होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा किसी भी ऐप के अंदर तो यहाँ पे वो वर्क नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक तरीके की डीड होती है, मतलब कि आप और मैं अगर कोई कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए दो पर्सन हैं, उनको अगर कुछ चीज़ शेयर करनी है, मान लीजिए ये हार्ड ड्राइव जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है इसको मुझे बेचना है किसी अनदर पर्सन को, तो अभी फिलहाल में मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे सेंट्रलाइज तरीके से आना होता है। मैं जाता हूँ या तो OLX पे या फिर क्विकर पे, वहाँ पे इसको लिस्ट करता हूँ, वहाँ पे जो OLX क्विकर का पर्सन होता है और वहाँ पे जो भी सेल आउट होता है वो हमारा OLX के थ्रू होता है। लेकिन मुझे इसको डायरेक्टली सेल आउट करना है तो मैं इसको डिसेंट्रलाइज वे से कर सकता हूँ, जहाँ पे कि दोस्तों मैं एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तैयार करूँगा और उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डाल दूंगा मैं किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर। तो वहाँ पे जब मैं अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डाल दूंगा, मेरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ ये रहेगा कि अगर आपको ये हार्ड ड्राइव परचेस करनी है तो आपको मुझे देने होंगे 10 इथेरियम और उसके बाद यह हार्ड ड्राइव आपकी हो जाएगी। अगर कोई भी मुझे 10 इथेरियम से यहाँ पे कम प्राइस देता है तो उसका जो इथेरियम होगा वो वापस हो जाएगा उसके वॉलेट के अंदर। तो अब जैसे यहाँ पे किसी भी पर्सन ने मुझे 10 इथेरियम दिए, मेरे पास कंफर्मेशन आ गया, मेरे पास 10 इथेरियम आ गए हैं, मेरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा और ये चीज़ वहाँ से उठ के वहाँ पे चली जाएगी। मैं फिलहाल में यहाँ पे कोई भी हार्डवेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर का भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरीके से वर्क करता है, वो आपकी एक डीड होती है, आपकी एक पार्टनरशिप तरीके का एक चीज़ें यहाँ पे बन जाती हैं, और अगर कोई भी आपको यहाँ पे कोई बायर नहीं मिलता तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तब तक वहाँ पे ट्रिगर आउट नहीं करता है। तो इस तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे वर्कआउट करता है। अब दोस्तों DApp के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जो भी आप ऐप्स बना रहे हैं, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं ZappPay का। ZappPay दूसरे सेंट्रलाइजेशन ऐप है, उसको रेगुलेट करता है ZappPay की ऑनरशिप्स और ZappPay के टीम वहाँ पे पूरी कोऑर्डिनेट करती है। लेकिन दोस्तों अगर हम कुछ ऐसे एग्जांपल लें कुछ ऐसे एक्सचेंजेस का जो कि डिसेंट्रलाइज है, जिसको कोई कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, तो उनको कोऑर्डिनेट कर रही एक सोसाइटी, तो वहाँ पे जितने भी वहाँ पे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, जो भी वहाँ पे क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेडिंग्स हो रही हैं, सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं, वो सारी यहाँ पे वेरीफाई कौन कर रहा है, वो लोग जिनके पास एक पावरफुल कंप्यूटर है, जो लोग यहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं वो उसके ट्रांजेक्शन को यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं। तो आई होप दोस्तों यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा DApps के बारे में कि DApp यहाँ पे कैसे वर्कआउट करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ। तो दोस्तों आप जब भी कोई ऐप चलाते हैं, मान लीजिए आप फेसबुक यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो फेसबुक को जब भी आप ओपन करते हैं उसके फेसबुक के आइकन के ऊपर क्लिक करके, तो फेसबुक डायरेक्टली वहाँ पे आपको सबकी सब इमेजेस नहीं दिखा देता है, वो पहले कुछ टाइम लेता है लोडिंग करने का और उसके बाद आपको दिखाता है। तो ऐसा क्यों करता है? तो दोस्तों मान लीजिए फेसबुक का ऐप है, इस फेसबुक के ऐप से आपके जो सिग्नल्स होते हैं वो पहले जाते हैं आपके सर्विस प्रोवाइडर के पास में, और वो सर्विस प्रोवाइडर वहाँ से वो सिग्नल्स भेजता है फेसबुक के सर्वर पे। फेसबुक के सर्वर से वहाँ पे उसने डेटा को रिट्राइव करता है, फिर वो आता है आपके जो सर्विस प्रोवाइडर है वहाँ पर, और फिर वो आपको दिखा देता है आपकी मोबाइल स्क्रीन पे। अब डिसेंट्रलाइज्ड ऐप में क्या होता है, आपका डिसेंट्रलाइज्ड ऐप में आपने कोई मान लीजिए फेसबुक जैसा ऐप बनाया है, आपने उसको यहाँ पे खोला, तो उसके जो सारी चीज़ें और सारे सिग्नल होंगे वो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर आपके सर्वर पे, और सर्वर उसको भेजेगा सीधे ब्लॉकचेन के ऊपर। ब्लॉकचेन वहाँ पे जो रहेंगे, ब्लॉकचेन के जैसे ही नोड वहाँ पे कंफर्म होंगे वो वापस भेज देगा सर्वर पे, और सर्वर से आपके DApps में यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ जो कम्युनिटी होगी वो होगी हम माइनर्स की, जो कि इन डिसेंट्रलाइजेशन एप्लीकेशन को कंट्रोल्स कर रही होगी। अब दोस्तों यहाँ पे इथेरियम सबसे पहले 2015 में इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लेकर आया था, और उसने दोस्तों यहाँ पे तीन तरीके के कॉन्सेप्ट हम लोगों को यहाँ पे बताए थे। पहला कॉन्सेप्ट था फाइनेंशियल जरूरतों से जुड़ा हुआ, जैसे कि आप बिटकॉइन को शेयर करते हैं, आप इथेरियम देते हैं, आप रिपल देते हैं, किसी आप पीयर टू पीयर आप जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन करते हैं वॉलेट से वॉलेट में, वो यहाँ पे जुड़ा होता है फाइनेंशियल सर्विसेज से। दूसरा होता है दोस्तों डॉक्यूमेंट के साथ, और तीसरा होता है यहाँ पे वोटिंग के साथ। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एंडलेस यूजर्स होते हैं DApps के, आप किसी भी फील्ड के अंदर किसी भी तरीके से यहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं, और इसका जितना भी जो भी एक लेज़र बनता है, लेज़र मतलब जो भी इसकी एंट्रीज होती है वो होती हैं पब्लिकली। तो इसको कोई भी व्यक्ति जिसके पास एक इंटरनेट कनेक्शन है या फिर जिसके पास एक अच्छा हार्डवेयर है वो इसको बड़े ईजी तरीके से यहाँ पे देख पाएगा, और इसके जो ट्रांजेक्शन है उनको यहाँ पे अप्रूव यहाँ पे कर पाएगा। तो बस यही था दोस्तों इस वीडियो के अंदर पूरा की पूरा DApps के बारे में। आई होप आपको DApps के बारे में यहाँ पे समझ आ गया होगा, और DApps का फ्यूचर आप सभी को पता पड़ गया होगा कितना ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि ये हर ही सेक्टर में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे रखी हुई जो भी चीज़ें होती हैं DApps के अंदर उनको कोई भी यहाँ पे मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। क्योंकि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक बार बना देता है तो उसके अंदर छेड़छाड़ करना या फिर उसको रिवर्स करना बहुत ज़्यादा एक नामुमकिन सा काम होता है। तो यहाँ पर जो आपके ट्रांजेक्शन जितने भी होंगे वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होते हैं इन कंपेयर टू सेंट्रलाइजेशन ऐप्स के।
तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और आपको सारी की सारी चीज़ें पे यहाँ पे इजी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे साथ यहाँ पे चैट पे जुड़ सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो आ गई हो पसंद तो कर दीजिएगा लाइक, नहीं आए तो कर दीजिएगा डिसलाइक। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को डीट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे डीट्यूब को स्ट्रीमिट कम्युनिटी को टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों मैं आप सभी लोगों के लिए इसी तरह कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो बस दोस्तों हम मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।